नमस्कार छात्रों, पिछले वीडियो में हमने कुछ चित्र देखे और उनके नाम देवनागरी लिपि और रोमन लिपि में लिखना सीखा। इस वीडियो में हम कुछ और चित्र देखेंगे और उनके नाम इन दोनों लिपियों में कैसे लिखे जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले चित्र में हम देख सकते हैं एक ट्रैक्टर। ट्रैक्टर देवनागरी लिपि में ऐसे लिखते हैं और रोमन लिपि में कुछ इस तरह। यह शब्द आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए। चलिए देखते हैं अगला चित्र कौन सा है। सही पहचाना। चित्र में हम एक शर्ट देख सकते हैं और इसके नाम देवनागरी लिपि और रोमन लिपि में कुछ इस तरह लिखे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला चित्र कौन सा है। क्या दिख रहा है चित्र में? एक डायरी का चित्र है। डायरी को हिंदी में दैनंदिनी कहा जाता है। इसे हम देवनागरी लिपि में ऐसे लिखते हैं और रोमन लिपि में यही शब्द कुछ इस तरह लिखा जाता है। दोस्तों, अगर डायरी यह शब्द मुझे रोमन लिपि में लिखना है तो कैसे लिखूंगी? इसका जवाब ज़रूर ढूंढिए। हम अपने अगले चित्र की ओर चलते हैं। चित्र है एक बस का। देवनागरी लिपि में बस यह शब्द कुछ इस तरह लिखा जाता है और रोमन लिपि में हम लिखते हैं BUS बस। अगला चित्र है ऑटो रिक्शा का। इसे हम देवनागरी लिपि में इस तरह लिखते हैं और रोमन लिपि में कुछ इस तरह। चलिए अब हम एक आखिरी चित्र देखते हैं। चित्र है एक ट्रक का। देवनागरी लिपि में ट्रक ऐसे लिखा जाता है और रोमन लिपि में लिखते समय हम लिखते हैं TRUCK ट्रक। छात्रों, अब आप अपना खुद का नाम देवनागरी लिपि और रोमन लिपि दोनों में लिखने का प्रयास कीजिए। अभी हमने चित्र की मदद से चीज़ों के नाम जाने। अब मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी जिन्हें देवनागरी लिपि में लिखा गया है, उन्हें आपको रोमन लिपि में लिखना है। पहला शब्द है पुस्तक। दूसरा शब्द है पाठशाला। तीसरा शब्द है रेलगाड़ी। चौथा शब्द है समोसा। पांचवा शब्द है हिंदी। आपने लिखे हुए जवाब अपने शिक्षक और दोस्तों को ज़रूर दिखाइए। धन्यवाद।